चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया अगर, तो आप चाय की दुकान खोल के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। विद्युत जामवाल की बॉडी है, इसलिए वो हिट भी हो जाए ये बात की गारंटी नहीं। राजा मौली ने भी बोला है कि भाई एक्टर हो तो बॉडी अच्छी होनी चाहिए। आपने कृष्ण को देखा नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण किसी कहानी के हीरो हैं तो उनको राइटर ने कैसे प्रेजेंट किया है? अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि वो हनुमान जी थे, पतले से थे। आपने देखा होगा जब भी जो लोग भी जिम जाते हैं उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है बहुत ज्यादा, है ना, फेस भी टाइट हो जाता है। डू यू वॉन्ट टू जॉइन फिल्म्स? डोंट नो हाउ? वॉच एंड सब्सक्राइब नाउ जॉइन फिल्म्स YouTube चैनल फॉर थाउजेंड्स ऑफ फ्री वीडियो लेसंस ऑन हाउ टू जॉइन फिल्म्स। सर मेरा एक क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में भी था कि सर अगर स्टार बनना है तो अच्छी बॉडी होनी ज़रूरी है, लेकिन सर अगर हम देखें तो विद्युत जामवाल हैं, उनकी भी काफ़ी अच्छी बॉडी है, लेकिन फिर भी वो स्टार की नहीं है, ऐसे क्यों सर? अपनी बॉडी कैसी है? मतलब सर है थोड़ी फैटी है सर। दो दो विद्युत जामवाल लेके घूम रहे हो तुम तो। कोई बात नहीं, तो विद्युत जामवाल की बॉडी, पहली बात तो सही बात है, एक्टर की जो बॉडी है वो नॉर्मल व्यक्ति से तो थोड़ी अलग होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका लुक ही नहीं आएगा तो लोग उसकी तरह देखेंगे क्यों? भाई हम हीरो को एक हीरो की तरह ही देखना चाहते हैं ना, और ऐसा आज से नहीं है, जब से कहानियाँ बननी शुरू हुई हैं तब से आप देखोगे जो मेन कैरेक्टर होता है उसको राइटर भी ऐसे ही प्रेजेंट करता था, वो इतना लंबा था, वो ऐसा दिखता था, उसकी आँखें ऐसी थी। आपको कभी, आपने कृष्ण को देखा नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण किसी कहानी के हीरो हैं तो उनको राइटर ने कैसे प्रेजेंट किया है? हमेशा कि उनकी आंखें चंचल थी, तो आपको एक इमेजिनेशन वो लेके जाते हैं, क्योंकि और बॉडी उनकी ऐसी फिट थी, बोलते ना राम की बॉडी ऐसी थी, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन वही आएगा क्योंकि फिटनेस से ही आपका लुक आता है, है ना। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि वो हनुमान जी थे, पतले से थे, आप सोच ही नहीं पाओगे, आपको मस्कुलर चाहिए ही चाहिए। इसलिए जब एक्टर है जिसको कि मेन लीड करना है, जिसको कि सारा कुछ करना, उसकी बॉडी तो अच्छी होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। एक जगह इन्होंने राजा मौली ने भी बोला है कि भाई एक्टर हो तो बॉडी अच्छी होनी चाहिए। सिंपल बात है, अगर आप फ्रेम में दिख रहे हो, अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो पहले बॉडी फिट होनी चाहिए, फिर अगर मस्कुलर भी आप थोड़ी सी कर सकते हो, आजकल बहुत ज़्यादा मस्कुलर तो चलती भी नहीं है, लीन बॉडी चलती है नॉर्मल वाली, तो वो होनी ही चाहिए। अब विद्युत जामवाल की बॉडी है, इसलिए वो हिट भी हो जाए ये इस बात की गारंटी नहीं है, नहीं तो जिम के जितने बॉडी बिल्डर होते सब बहुत बड़े स्टार होते और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिम में बैठा होता, एंट्री कर रहा होता, है ना, उसकी तो बॉडी नहीं है तो वो एंट्री कर रहा होता बेचारा। तो ऐसा बॉडी होना गारंटी नहीं है, लेकिन बॉडी होना एडवांटेज है ना। तो हमें ये समझना है, अब विद्युत जामवाल पे आ जाएं, तो विद्युत जामवाल ने क्या करा, पूरी तरह से अगर आप उनको सुनोगे, उनसे समझोगे, आप उनकी कोई भी बात सुनोगे आपको दिख जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, ये फिजिक पे सबसे ज़्यादा बात करता है। अगर आपको फिजिकल स्ट्रक्चर समझना है तो आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, स्केलेटल सिस्टम समझना ही पड़ेगा विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब मेन जो फोकस है उसका वो फिजिक पे ही है। उनको आपने एक्टिंग पे ज़्यादा बात करते हुए नहीं देखा होगा, बॉडी पे ही बात करते हुए देखा होगा, है ना। तो उनका जब मेन उस पर है तो पूरा ध्यान उस पर गया, तो जब उस पर ध्यान गया तो एक्टिंग पे उतना नहीं जा पाया। और एक्टर को हम उसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस से देखते हैं, बॉडी फर्स्ट लुक है, उसके बाद तो आप एक्टर की एक्टिंग देखना चाहते हो ना। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब स्क्रीन पर आते हैं और कोई बहुत अच्छा रोल भी कर रहे हैं तो उनकी तो पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन आपको कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि आपको वो परफॉर्मेंस से ही इतना मैजिक क्रिएट कर देते हैं स्क्रीन प्रेजेंस से कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाता ही नहीं है, बॉडी की तरफ। कितना भी हैंडसम लड़का खड़ा कर दो उनके सामने, वो अपनी एक्टिंग से ही धराशाही कर देगा उसको, उसको ज़रूरत ही नहीं बॉडी की। तो उसने उस स्किल पर मास्टरी हासिल की है, तो अगर बॉडी पर नहीं है तो चलेगा। विद्युत जामवाल ने बॉडी पे की है, अगर बॉडी के साथ साथ एक्टिंग भी वो ऐसे लेवल की होती तो उनको नुकसान नहीं होता। हमको कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए कि यार उसकी बॉडी अच्छी है तो वो पॉपुलर क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी जो लोग भी जिम जाते हैं उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना, फेस भी टाइट हो जाता है। तो वही सब आपको ऐसा नहीं लगता कि विद्युत जामवाल में हुआ है, वही चीज़ हुई है कि बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया, बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ गई है, तो अब वो जो एक्सप्रेसिव होना चाहिए वो
वो नहीं बोला। हाँ, जो आप लोगों ने कहा था ना पहले हॉलीवुड वाला, शायद ये हॉलीवुड में होते तो ज़्यादा फेमस होते। अब इसको लोग कैसे लेते हैं, यार इसकी कदर तो हॉलीवुड वाले ही कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं कि वहाँ पे इमोशनलेस चलता है, तो वहाँ पे शायद चल जाता, लेकिन यहाँ ड्रामेटिक चाहिए, तो यहाँ पे वो बात नहीं आ पा रही है। लेकिन अगर बॉडी धर्मेंद्र की थी और वो इमोशंस दिखा सकते थे तो वो हिट हुए, बराबर हिट हुए। टाइगर श्रॉफ भी आप देखोगे तो बच्चों में बहुत फेमस है, है ना, बच्चे जो लोग हैं उनको बड़ा पसंद करते हैं, तो किसी को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना वो अपनी एक्टिंग से। अगर विद्युत जामवाल को आप देखोगे तो वो किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट ना, जो फिटनेस में जाना चाहता है उसी को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो एक्टिंग वाला या कोई नॉर्मल जो ऑडियंस है वो तो उनको पसंद ही नहीं कर रहा ना, तो वो वाली बात को भी समझना पड़ेगा। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बॉडी बनाने से एक्टर बन जाएगा, सिंपल वो मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ ना कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया अगर, तो आप चाय की दुकान खोल के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो, है ना। कि अगर एक बॉडी वाला एक्टर बन गया है अच्छा फेमस हो गया तो हम बॉडी बनाएंगे हम भी एक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको भी एक्टिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्टिंग पे काम करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपका फेस टाइट हो गया है, फेस आपका फ्लैग, जैसे आप जिम जाते हो आपके शोल्डर ही ऐसे हो जाते हैं। अब हर करेक्टर में तो आप ऐसे नहीं जाओगे ना, पॉसिबल नहीं, कितना गंदा लगेगा कि डॉक्टर बने हुए और ऐसे जा रहे हो क्या देखता बॉडी बिल्डर, ये तो चेहरे पे तो ध्यान ही नहीं जाता उसका, उसका बाकी चीज़ों में ध्यान जाता है, एक्टर का तो फेस ही है मेन। हाँ, तो मेन वो है एक्टिंग स्किल की बात है और कुछ नहीं। सर अब एक और एग्जांपल ऐसे जॉन इब्राहिम का, सर वो भी अब ऐसे ही होते जा रहे हैं विद्युत जम्बल की तरह। नहीं देखिए, जॉन इब्राहिम एक मॉडल थे, अगेन मॉडल्स जो होते हैं उसमें एक्सप्रेशंस नहीं होते, आप देखो ना जीरो एक्सप्रेशंस होते हैं, क्योंकि वो कला ही वैसी है। क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे तो जो कॉस्ट्यूम है जो मेन प्रोडक्ट है उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ क्या चलता है, बॉडी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो कपड़े अच्छे लगें, और मॉडल को एक्सप्रेशन लेस होना चाहिए ताकि मॉडल की तरफ अट्रैक्शन ना जाए। आप देखो कितने महंगे कपड़े पहन के भी ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे नॉर्मल भी नहीं बिल्कुल कि यार ये किसने कर दिया, क्या कर दिया, क्यों पहना दिए कपड़े, जबकि वो कपड़े हमको पहना दिए तो हम कितने खुश हों। मतलब वो साफ बोलते हैं मेरे को मत देख, इधर कपड़े भी देख, है ना। तो मॉडल्स के साथ क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन को दबाने के काम करते हैं, तो जॉन अब्राहम उसी में से थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जितना भी अंडरस्टैंड किया, उन्होंने काफ़ी अच्छा करियर देखा है अपना इंडस्ट्री में, और वो उनका डेडिकेशन ही है कि उन्होंने, आप अगर शुरू से अभी तक देखोगे तो एक्टिंग स्किल को समझा है पहले के मुकाबले, है ना। तो बॉडी वहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रही है, मस्कुलर हैं तो आज वो मस्कुलर होने की वजह से उनको जो प्रेफरेंस मिलते हैं उसी वजह से मिलते हैं, है ना। क्योंकि विलेन जैसे अभी इसमें दिखाया किसमें, पठान में, तो भाई नेगेटिव कैरेक्टर जितना बड़ा होगा या तो हीरो का इम्पैक्ट उतना बड़ा होता है, तो इसलिए उसको मजबूत दिखाया गया। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।